केक में बढ़ाने का मकसद सर? ये स्कूल एक्सपोर्ट का आज उद्घाटन था। और सर कुछ एनआरसी के बारे में? निश्चित रूप से एक मनुवादियों का हमला है, समाज के कमजोर दलितों को आरक्षण से वंचित करने के लिए, वोटर से सब्सिडी से निशाना बहाना है मुसलमान, क्योंकि धर्म के आधार पर इनको राइट नहीं है। नागरिकता हमारे देश में आर्टिकल 14(4)(5) के तहत सभी को मिलता है, और उस देश में जब 28% निरक्षर हो, 63% महिलाएं निरक्षर हो, और 43% मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र किसी के पास ना हो, और 73% लोगों के पास कागज़ नहीं हो, तो आप किस पर हमला कर रहे हैं? जनता के हाथ में आपके ओर से क्या इसके लिए है? सीधा है, ये 2022 के बाद संविधान को ख़त्म करना चाहता है। ये वन रूल वन एक पावर एक पद, ये कंप्लीट हिटलर के शासन की ओर जा रहा है। देश की डेमोक्रेसी खतरे में है। देश के बिरसा, वाल्मीकि, नानक, बुद्ध, कबीर की आइडियोलॉजी पर हमला है। बाबा साहब अंबेडकर, सुभाष, सरदार पटेल की आइडियोलॉजी पर हमला है। देश आज तोड़ने की स्थिति में है। देश नफरत की ओर बढ़ता चला जा रहा है। दलित, मुसलमान और गरीब आदमी आज इकट्ठे होकर के आवाज़ देना शुरू कर दिया है, और जिस तरीके से दिल्ली में नफरत की राजनीति, बलात्कार करेंगे, गोलियां चल रही है, कभी साइन बाग में, कभी जामिया में, डायल्यूट करने के लिए, यह देश के लिए खतरा है। जब तक नफरत खत्म नहीं होगा, एनपीआर और एनआरसी, ये पिछड़े और दलितों को हम दस्तखत नहीं करने देंगे किसी भी कीमत पर। कोई समझौता नहीं होगा। देश एक है, संविधान एक है। मनुवादियों को पिछले दरवाजे से राज करना नहीं रहे। सर शाहीन बाग में लोग मुसलमान बैठे हुए हैं, तो उससे क्या कह सकते? 1.5 करोड़ सर, दलित और मुसलमान दुनिया में पहली घटना है। बीजेपी का चाल चरित्र कितना गंदा है। उसका मंत्री कहता है गोली मार देना, गांधी के पोतों के गोली मारेंगे ये लोग। अंग्रेज के दलाल, आरएसएस का जन्म कब हुआ? आज़ादी के 25 साल पहले। ये तो अंग्रेज के भारत के लिए दोगले किया इन लोगों ने। दलाल हैं वो, नेहरू के नाती को मारेंगे, वो अंबेडकर के पोते के मारेंगे, वो भगत के नेफ्यू को मारेंगे। कितनी नफरत पैदा की जा रही है। जिसकी इकोनॉमी में योगदान हो वो बात करता है। इसीलिए बीजेपी, याद रखिएगा आप, दुनिया में इससे ज़्यादा पिछड़े, अत्यंत पिछड़े और गरीबों के लिए यह सबसे बड़ा दुश्मन है। इसका ख्याल। धन्यवाद सर। धन्यवाद।